इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 450 पर 2 विकेट्स। अरे भाई और क्या, इंडिया 65 पर ऑल आउट। अरे भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्या, ये मिचेल मार्श का स्टेटमेंट है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट वर्ल्ड कप मैच से पहले मिचेल मार्श ने दिया था। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये काफी हाई प्रेशर मुकाबला होने जा रहा है, दोनों भी टीमें काफी तैयारी के साथ उतरेंगी। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिकी पॉन्टिंग और इंडिया की तरफ से सौरभ गांगुली थे। उस टाइम रिकी पॉन्टिंग के शतक के वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। क्या इंडिया 2003 का बदला इस वर्ल्ड कप में ले पाएगी? ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी 5 वर्ल्ड कप्स है, तो इंडिया के पास 2 वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे नॉकआउट मैचेस या फिर फाइनल्स काफी अच्छा खेलती है, तो इंडिया की टीम काफी तगड़ी है। इंडिया की टीम पास्ट में या फिर फ्यूचर में नहीं रहती है, जैसे कल की कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा था, पिछला मैच या फिर फ्यूचर इसके बारे में नहीं सोचते, उस दिन जाकर कैसे हम खेलते हैं, उस दिन का हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, इस पर हम फोकस करते हैं। इस वर्ल्ड कप में इंडिया का डोमिनेंस काफी रहा है, इंडिया 10 में से 10 मैच जीतकर आज फाइनल में पहुंच गई है, तो ऑस्ट्रेलिया 10 में से 8 मैच जीतकर फाइनल में है। इसके पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया को 199 पर ऑल आउट इंडिया ने किया था और वो मैच इंडिया ने जीता था, तो इंडिया का डोमिनेंस आप देख सकते हो। तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। तो इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, तो वहां पर इंडिया की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन शमी की बॉलिंग की वजह से ही इंडिया वो मैच जीत गई। किसी भी वर्ल्ड कप में लगातार 11 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया ने अभी इस वर्ल्ड कप में 10 में से 10 मैच जीते हैं। इंडिया को एक मौका है, अगर अगले मैच में इंडिया जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड के साथ बराबरी कर देगी। इंडिया की तरफ से विराट कोहली 711 रन बनाकर हाई स्कोरर है, तो दूसरे नंबर पर इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, उन्होंने 550 रन बनाए हैं। तो इंडिया की बैटिंग तो काफी तगड़ी लग रही है, उसके बाद श्रेयस अय्यर भी काफी इनफॉर्म लग रहे हैं, उन्होंने अब तक 2 शतक जड़े हैं। इस वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर एक गेम चेंजर प्लेयर लग रहे हैं, और केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव भी काफी फॉर्म में है। हालांकि सूर्य कुमार यादव को बैटिंग का मौका नहीं मिला है, तो उनको फाइनल के मुकाबले में 5 ओवर भी मिलते हैं तो आपको पता है सूर्या क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वॉर्नर ने 528 रन बनाए हैं, तो मिचेल मार्श ने 426 रन बनाए हैं। इसके अलावा ट्रेविस हेड, मैक्सवेल भी इनफॉर्म लग रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जाम्पा की प्लेयर रह सकते हैं, उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 22 विकेट लिए हैं। इसके अलावा जॉस हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस पे भी नजर रहेगी, उनके पास मैक्सवेल और मिचेल मार्श का भी बॉलिंग ऑप्शन है। तो सेमीफाइनल में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस और स्टार्क ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग में भी ज्यादा ऑप्शन है और बैटिंग में भी काफी ऑप्शन है, तो उन पे ज्यादा नजर रहेगी। और इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी काफी फॉर्म में है, उन्होंने लास्ट मैच में 7 विकेट्स ली थी, तो उसके अलावा बुमराह और सिराज पे भी नजर रहेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से थोड़ी बेहतर लगती है। तो ये मुकाबला वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, मतलब वहां पे 130,000 लोग रहेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स को भी इनवाइट किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे उपस्थित रहेंगे, तो देखते हैं आज की मैच कौन जीतता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।